तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को और एक न्यू वीडियो पे। तो इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी अमेजोन पे पर कुछ बैलेंस है एंड वो जो पैसा है आप अपने अकाउंट पर लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पर आ चुका है। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लगे यहाँ तक देख ले तो आप अपना जो भी पैसा है आप लोग जो बैंक पर ले सकते हो। बस यार वीडियो को जो शुरू से लगे यहाँ तक देख लेना, वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना। तो यार इस पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाला, ठीक है, कि यार आप लोग किस स्टेप से जो पैसा है आप लोग जो बैंक पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो यार सबसे पहले तो यार मेरा जो बैलेंस है देख सकते हो कि 100 जो कि यार 15 रुपीज़ है, यानी कि ये जो पैसा है मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर से विड्रॉ करके दिखने वाला हूँ, वो भी पेटीएम पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों को जो पेटीएम को ओपन करके दिखा देता हूँ कि यार मेरा जो पेटीएम पर कितना बैलेंस है, देन जो आप लोगों को दिखा दूंगा कि यार आप भी किस स्टेप से वो जो पैसे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सर जो बैलेंस एंड हिस्ट्री पर मैंने क्लिक कर दिया, एंड जैसे ही मैंने बैलेंस एंड हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर दिया एंड फ्रेंड्स देख सकते हो कि यार मेरा जो यहाँ पर से जो पेटीएम पर कोई भी जो है बैलेंस नहीं, जो कि पेटीएम वॉलेट पर कोई भी जो है बैलेंस नहीं है, देख सकते हो कि 0 रुपीज़ अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल से मैं जो क्या करने वाला, ये जो पैसा है मैं जो पेटीएम वॉलेट पर आपको जो है लेकर दिखाने वाला, ठीक है। तो सिंपल सा तो यार क्या करना है आपको, कोई से भी ब्राउजर आपको ओपन करना है, चाहे आप लोग जो क्रोम ब्राउजर भी यूज़ कर सकते हो, चाहे कोई अदर्स ब्राउजर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको लिख लेना कि जो कि जास डायल, ठीक है, आपको जास डायल लिखकर जो आपको सर्च कर देना है। जैसे आप लोग जो जास डायल लिखकर सर्च कर दोगे देन आपके सामने जो ये जो पेज है आ जाएगा। तो ये जो पेज है आपके सामने नहीं आएगा, तो आपके पास जो है जास डायल का जो ये जो पेज है ये जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, जैसे ये जो पेज है आ जाएगा देन आपको सिंपल से शो मोर के ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे आप लोग शो मोर के ऊपर क्लिक कर दो देन आपका थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग थोड़ा सा नीचे जाओगे देन आपको यहाँ पर से मिल जाती है बिल एंड रिचार्ज, बिल्स एंड रिचार्ज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे बोलो बिल्स रिसर्च के ऊपर क्लिक कर दो देन आपको थोड़ा सा नीचे जाना है एंड आप लोगों को मिल जाते हैं जो कि फास्टैग, ठीक है। तो यार फ्रेंड्स अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो भी आप लोग इस वीडियो को देख लेना, मैं आपको सारा कुछ स्टेप इस पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, फास्टैग का जो भी आपका ऑपरेटर है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो मेरा तो यार पेटीएम का है तो सिंपल से मुझे पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं जो यहाँ पर मेरा जो भी नंबर है वो जो यहाँ पर से एंटर कर देता हूँ देन सिंपल से पोजिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपल से मैंने जो इस पर पोजिट के ऊपर क्लिक कर दिया देन इस पर आपको अमाउंट पूछा जाती है कि आप कितने का जो रिसर्च करना चाहते हो। तो यार मैं जो सिंपल से आप लोगों को बस दिखाने के लिए इस पर 100 रुपीज़ मैंने दे दिया देन सिंपल से पोजिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड जैसे ही आप लोग जो पोजिट के ऊपर क्लिक कर दोगे देन आपके सामने ये जो पेज है आ जाएगा एंड सिंपल से आप लोग देख सकते हो इस पर वॉलेट मिल जाती है, इस पर अमेजोन पे जो अवेलेबल है। तो सिंपल से आपको अमेजोन पे के ऊपर क्लिक करना है एंड जैसे आप लोग जो अमेजोन पे के ऊपर क्लिक कर दो देन इस पर कुछ जो चार्ज लगती है जो कि 1.65 पैसे की चार्ज है। तो सिंपल से आपको पे सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग जो इस पर क्लिक कर दे तो देन इस पर आप लोगों को तो यार देख सकते हो कि इस पर आ चुका है कि हमारा जो अमेजोन पे बैलेंस पर जितना भी बैलेंस है इस पर शो हो रहा है एंड सिंपल से पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लोग जो पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दोगे आपका जो अमेजोन पे का जो बैलेंस है वो जो काट लिया जाएगा एंड आपका जो है जो भी फास्टैग है उस पर जो रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपका जो फास्टैग रिचार्ज हो जाता है देन आपको वो जो पैसा आप लोग किस स्टेप से ट्रांसफर कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यार देखते रहो वीडियो को। तो यार देख सकते हो इस पर जो है कन्फर्मेशन आ चुका है, यानी कि हमारे जो पेटीएम है पेटीएम पर जो 100 रुपीज़ जो है यहाँ पर से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से आप लोग देख सकते हो कि मैंने पेटीएम को ओपन किया एंड सिंपल से बैलेंस एंड हिस्ट्री पर मैंने क्लिक किया एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हो जो कि यार वॉलेट पर 100 रुपीज़ इस पर ऐड हो चुका है एंड देख सकते हो इस पर 100 रुपीज़ आ चुका है, ठीक है। तो यार फ्रेंड्स सभी बात आती है कि ये जो 100 रुपीज़ हम लोग किस स्टेप से ट्रांसफर कर सकते हो। सिंपल से आपको पेटीएम वॉलेट पर आना है एंड सेंड मनी टू बैंक ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने वाले सिंपल से आपका जो भी पैसा है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद पोसिट पर क्लिक करना है एंड कोई सा भी आप लोग को एक बैंक अकाउंट चूज करो देन इस जो पोसिट पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो जैसे आप लोग जो पोसिट के ऊपर क्लिक कर दोगे देन सीधा आपका जो पैसा है आपके अकाउंट पर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स होप कर दो कि वीडियो को पसंद आई है। तो फ्रेंड्स अभी बात करती है कि जिनके पास जो फास्टैग वगैरह नहीं है आप लोग फास्टैग बाई कर सकते हो। अगर आपके पास जो कोई भी व्हीकल वगैरह है तो आप लोग बाई कर सकते हो एंड इसके दौरान आप अपने पैसे को जो विड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स होप करते हो कि वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर फेवली हो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। और अगर किसी को अमेजोन पे बैलेंस पेटीएम पोस्टपेड बैलेंस साथ में मोबीक्विक के जीप के बैलेंस अगर आपको कन्वर्ट करना है कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन पर दिया है आप लोग जाके जो कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आप अपने पैसे को जो कन्वर्ट करके बैंक पर ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।